Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class methods. Methods are functions that belong to the class. There are two ways to define functions that belong to a class. Inside class definition, outside class definition. Class ke functions hum do tarike se likh sakte hain. Yani class के डिफिनीशन जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर भी लिख सकते हैं मेथड्स और क्लास के डिफिनीशंस के बाहर भी हम लिख सकते हैं. और क्लास के मेथड्स भी उसी तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह हम क्लास के एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं यानी डॉट ऑपरेटर से. In the following example, we define a function inside the class. Class function name hum rakhte my method. Class, my class, public, void, my method. Ye jo first jo humne kaha tha ki inside class bhi hum methods ko declare kar sakte hain. Ye method humne define kiya class ke andar. To यहाँ पे int main my class class का हमने object बना लिया और object के थ्रू अब इस methods को हम call कर सकते हैं. पहले इस class का हमने object बनाना है तो यहाँ पे हमने object my obj object बना लिया. उसके बाद my obj dot my method तो इस method को हम dot operator के थ्रू call कर सकते हैं. To define a function outside the class definition. Class definition के बाहर हमने किस तरह लिखना है? You have to declare it inside the class and then define it outside of the class. आप इसको class के अंदर आपने declare करना है. Declare means इसका prototype लिखना है और define means के function की जो actual body है वो कहाँ पे लिखना है? Out of the class. और class के साथ जो relation है वो scope resolution operator इसके थ्रू अपने class के साथ associate करना है. उसी तरह हमने class my class यहाँ पे हमने method को क्या किया? यहाँ पे हमने declare किया. ये method का सिर्फ प्रोटोटाइप लिखा. पिछले एग्जांपल में हमने यहाँ पे कंप्लीट मेथड की डिफिनीशन लिखी थी. यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोटोटाइप लिखा है. और ये मेथड देखिए माय मेथड मेथड फंक्शन डिफिनीशन आउटसाइड द क्लास. ये मेथड है जो एग्जैक्ट जिस तरह हम फंक्शन पहले डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर है. अगर हम यहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट बनाए माई ओ बी जे माई ओ बी जे डॉट माई मेथड लेकिन ये यहाँ पे एरर आएगा ये काम नहीं करेगा. ये चूंकि हमने क्लास के बाहर मेथड तो डिफाइन किया लेकिन ये यहाँ पे एरर देगा क्योंकि हमने क्लास के साथ रिलेशनशिप नहीं बताई. ये सिंपल मेथड है. ये किसी क्लास के साथ इसकी कोई एसोसिएशन या किसी क्लास कोई क्लास का फंक्शन नहीं है. सिंपल फंक्शन है. आप सिंपली यहाँ पे माय मेथड जिस तरह पहले फंक्शंस कॉल करते थे उसी तरह यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं. तो क्लास के साथ अगर एसोसिएट करना हो तो फिर आपने क्या लिखना है? ये देखिए क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है या प्रोटोटाइप लिखना है. क्लास के बाहर यहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखनी है या फंक्शन डिफाइन करना है लेकिन साथ क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी लिखना है. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब है कि ये मेथड जो माय मेथड आगे मेथड नेम है ये बिलोंग किस क्लास के साथ ये बिलोंग करते हैं ये किस क्लास का मेथड है तो यहाँ पे क्लास लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे दो तीन चार ज़्यादा क्लासेस हो तो हो सकता है कि दो तीन क्लासेस में सेम नाम का मेथड्स हो. तो यहाँ पर अगर आप सिंपल मेथड नाम लिखे तो ये एक एम्बिग्विटी है कि वो कौन से क्लास की मेथड है. तो क्लास नेम यहाँ इसके साथ अगर आपने
क्लास मेथड या फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन करना हो तो मेथड से पहले क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्लस मेथड नाम या फंक्शन नाम लिखना है, लेकिन इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर या इसका प्रोटोटाइप क्लास के अंदर लिखना है। ये भी उसी तरह है जो पहले था। तो आपने यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है, माई ओबीजे, माई ओबीजे डॉट माई मेथड। तो क्लास के मेथड्स दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और बाहर भी। अंदर आपने डिफाइन करना है तो सिंपल फंक्शन के जो डिफिनीशन है वो लिखना है, बाहर अगर आपने लिखना हो तो क्लास के अंदर उस फंक्शन का आपने प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेयर करना है और क्लास के बाद बाहर उसकी बॉडी लिखनी है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन के नेम से पहले, फंक्शन नेम से पहले क्लास नेम प्लस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, ये लिखना ज़रूरी है ताकि क्लास के साथ एसोसिएशन हो कि ये मेथड कौन से क्लास की हैं। उसके बाद है एक्सेस स्पेसिफायर्स। बाई नो यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द पब्लिक कीवर्ड दैट अपीयर इन ऑल ऑफ आवर क्लास एग्जांपल्स। ये जो क्लास, ये पब्लिक जो हम लिखते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। अ पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है। सी प्लस प्लस में तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। पब्लिक मेंबर हो तो इसका मतलब है कि वो आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह पिछले एग्जांपल में देखें कि ये देखिए, हमने यहाँ पे पब्लिक पब्लिक क्यों लिखा है, क्योंकि इस मेथड को यहाँ पे, ये अब क्लास के बाहर है, यहाँ पे ये तो उसी क्लास के अंदर ही है। यहाँ पे जब हम एक्सेस करते हैं माई क्लास ओ बी जे, तो ओ बी जे डॉट मेथड, तो हम क्लास के बाहर इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। क्यों कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, ये पब्लिक रीजन में है उसके क्लास के, इसलिए इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पब्लिक की जगह पे प्राइवेट होता है तो हम क्लास के बाहर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इनके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो पब्लिक, एक फर्स्ट जो स्पेसिफायर है वो पब्लिक है। पब्लिक का क्या मतलब है, मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। पब्लिक मेंबर्स का मतलब है कि वो आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट, सेकंड जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट है। मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस आर व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। पब्लिक मेंबर को आप क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड, थर्ड जो टाइप है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन फ़िलहाल इसको हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि इसका यूज़ है इनहेरिटेंस में। जब इनहेरिटेंस वाला चैप्टर आएगा उसमें हमने इसको डिस्कस करना है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट, ये एक क्लास है, यहाँ पे हमने पब्लिक, तो इसके बाद जितने भी मेंबर्स होंगे वो पब्लिक मेंबर होंगे। यहाँ पे हमने एक्सेस स्पेसिफायर चेंज किया प्राइवेट, तो इसके बाद जितने भी मेंबर्स होंगे वो प्राइवेट होंगे। तो इसी क्लास में दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, ये मेंबर क्या हैं, ये पब्लिक हैं और ये प्राइवेट हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, क्लास की ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, आपने पब्लिक मेंबर एक्सेस करना हो या प्राइवेट एक्सेस करना है, सॉरी प्राइवेट तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी मेंबर एक्सेस करना हो तो अब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है। तो सबसे पहले इस क्लास के आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ये माई ओ बी जे, तो माई ओ बी जे डॉट एक्स, यानी हम इस एक्स वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, उसको 25 असाइन करते हैं, ये असाइन हो जाएगा, इसमें मसला नहीं आएगा। मसला कहाँ पे आएगा, माई ओ बी जे डॉट वाई इक्वल टू 50, ये एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वाई जो मेम्बर है वो हमारे पास क्या है, प्राइवेट मेंबर है। अगर आप ट्राई भी करना चाहते हैं तो कंपाइलर एरर देगा कि वाई क्या है, प्राइवेट मेंबर हैं जो आप क्लास के बाहर से एक्सेस कर
करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद मेथड्स की भी दो टाइप्स हैं, एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स। अब मेंबर, अच्छा इससे पहले एक्सेसर या म्यूटेटर से पहले कोई भी फंक्शन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे फंक्शन म्यूटेटर होते हैं, लेकिन बाय नेचर कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें हम जो क्लास के वेरिएबल है वो चेंज करते हैं। फर्ज का हम इनपुट लेते हैं या कोई कैलकुलेशन करते हैं तो क्लास के जो वेरिएबल्स है वो उसमें चेंज होते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें क्लास के वेरिएबल्स चेंज नहीं होते, सिर्फ उनको हम एक्सेस करते हैं या प्रिंट करते हैं। फर्क है प्रिंट या डिस्प्ले मेथड, उसमें सिर्फ हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। और मेंबर फंक्शन दैट गेट्स अ वैल्यू, जो सिर्फ क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं फ्रॉम अ क्लास मेंबर वेरिएबल बट डजेंट चेंज इट, इज़ नोन एज एन एक्सेसर। ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे मेथड्स जिसमें क्लास के वेरिएबल सिर्फ एक्सेस होते हैं, सिर्फ उनके वैल्यू एक्सेस होती हैं और क्लास के जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होते, उनको एक्सेसर्स मेथड कहते हैं। अ मेंबर फंक्शन दैट स्टोर अ वैल्यू इन अ मेंबर वेरिएबल आर चेंज द वैल्यू ऑफ मेंबर वेरिएबल इन सम अदर वे इज़ नोन एज म्यूटेटर। ऐसे फंक्शन जिसमें क्लास के वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है उसको म्यूटेटर कहते हैं। सम प्रोग्रामर रेफर म्यूटेटर को सेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू सेट होती है, चेंज होती है, और एक्सेसर को गेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू गेट, हम वैल्यू गेट करते हैं या एक्सेस करते हैं। अच्छा, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो बाय नेचर तो एक्सेसर या म्यूटेटर होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फंक्शन है वो म्यूटेटर होते हैं। किसी भी फंक्शन में आप किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेसर बनाना हो तो आपने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसर मेथड्स के साथ आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह कोई भी मेथड हो, रिटर्न टाइप, रेक्टेंगल, क्लास नेम है, गेट विड, कॉन्स्ट, उसके आखिर में क्या लिखना है, कॉन्स्ट लिखना है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर आप क्लास के मेंबर्स की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। और इसके अगर क्लास के अंदर भी लिखना हो वहाँ पे भी आपने कॉन्स्ट लिखना है, और फंक्शन डिफिनीशन के साथ भी कॉन्स्ट लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये प्रोग्राम है, ये एक क्लास स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एक मेथड है इंसर्ट डेटा और सेकंड मेथड है डिस्प्ले। तो इंसर्ट डेटा में हम क्या करते हैं, जो दो वेरिएबल है क्लास के, आईडी इंटीजर टाइप और नेम स्ट्रिंग टाइप, इनको हम वैल्यूज़ देते हैं। इंसर्ट डेटा में हम वैल्यूज़ देते हैं और डिस्प्ले में इनकी सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती से हमसे डिस्प्ले मेथड के अंदर आईडी की वैल्यू चेंज हो रही है, हम 50 असाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि ये गलती से हो रहा है। और यहाँ पे जब हम कॉल करते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बनाते हैं st1 st1.insertData st1.display, तो सबसे पहले st1.insertData मैं आईडी की वैल्यू देता हूँ 10 और नेम देता हूँ फरमान, तो डिस्प्ले हुआ 50 एंड फरमान। 50 क्यों डिस्प्ले हुआ, क्योंकि जो डिस्प्ले मेथड है उसमें आईडी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर आपने सही मानों में इसको एक्सेसर मेथड बना, बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर तो ये एक्सेसर हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेथड्स म्यूटेटर होते हैं, तो आपने अगर यहाँ पे आप कॉन्स्ट कीवर्ड लिखें और यहाँ पे भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करें, आप इसको रन करें तो यहाँ पे आपको एरर आ रहा है। एरर क्या है कि आप यहाँ पे इसकी वैल्यू, आईडी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये मेथड क्या है, ये एक्सेसर मेथड है या कॉन्स्टेंट मेथड है,
इसमें सिर्फ इन वैल्यूज़ को प्रिंट या एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ आप चेंज नहीं कर सकते। दोबारा रन करें। फरमान, अब देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिखा उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। हो सकता है कि एक ही फंक्शन के अंदर 1000, 500 या 100, 200 लाइन ऑफ कोड हो, तो लेकिन आपको पता है कि ये जो इसका जो नेचर है वो वहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन गलती से कोई वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो अगर आपने एक्सेसर बनाना है तो बजाय का वहाँ पे हर लाइन को चेक करे कि कहीं पे वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, तो आप सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट की वर्ड यूज़ करें, तो ये मेथड क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा या एक्सेसर हो जाएगा, इसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये मेथड जो है ये बाय नेचर म्यूटेटर है, इसको आप कॉन्स्टेंट नहीं बना सकते। अगर इसको आप कॉन्स्ट आपने बनाया तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट भी नहीं दे सकते। तो कुछ मेथड्स की नेचर इस तरह होती है कि उसमें आप वैल्यू चेंज करते हैं, उनको म्यूटेटर कहते हैं। जिनमें वैल्यू नहीं चेंज नहीं होती उनको एक्सेसर मेथड्स कहते हैं। तो एक्सेसर को सही मानों में अगर आपने एक्सेसर बनाना है तो आप उसके साथ कीवर्ड कॉन्स्ट लिखें, तो उनकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती। अगर कहीं पर ट्राई भी हो गई तो वहाँ पर कंपाइलर ही कंपाइल टाइम पर एरर आपको देगा, तो वो एरर आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज या UML क्लास डायग्राम, आप क्लास डायग्राम को UML में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास डायग्राम को आप UML में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये UML डायग्राम है, अब इस तरह एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पे आपने क्लास नेम लिखना है और यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में दो हिस्सों में फिर तकसीम करना है। फर्स्ट हिस्से में वेरिएबल्स लिखना है, वेरिएबल किस तरह लिखना है, जिस तरह हमारा HR एक वेरिएबल नेम है और उसका टाइप क्या है, इंटीजर, जिस तरह हम लिखते हैं इंट HR, तो यहाँ पे वेरिएबल नाम पहले लिखना है, कॉलम, फिर उसकी टाइप लिखना है, फिर मिनट उसकी टाइप क्या है, इंट है, फिर सेकंड उसकी टाइप क्या है, इंटीजर। और यहाँ पे मेथड्स, पहले मेथड नेम, पैरामीटर्स, तीन पैरामीटर, इंटीजर टाइप, और ये क्या है उसका रिटर्न टाइप, उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, या ये इंक्रीमेंट सेकंड्स, उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। यहाँ पे दो चीज़ें और है, यहाँ पे ऊपर वाले वेरिएबल के साथ माइनस सिंबल यूज़ हुआ है, मेथड के साथ प्लस, माइनस का मतलब है कि ये प्राइवेट मेंबर हैं और प्लस का मतलब है कि ये पब्लिक मेंबर्स हैं। ये एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम है, स्टूडेंट क्लास नेम है, तो ये उनके प्राइवेट मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं नेम, रोल नंबर, टोटल, परसेंटेज। दो मेथड्स हैं, गेट डिटेल्स एंड पुट डिटेल्स या प्रिंट डिटेल्स। ये क्लास यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शंस के या मेथड्स के प्रोटोटाइप यहाँ पे यह हमने डिक्लेयर किए हैं। इसको क्लास के बाहर, यहाँ पे क्लास एंड हुआ, क्लास डिफिनीशन के बाहर हमने इन मेथड्स को लिखने हैं। तो गेट डिटेल्स, स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट डिटेल्स, यहाँ पे इसके अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखने हैं वो सारे लिखने हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, पुट डिटेल्स, यहाँ पे उन वैल्यूज को क्या करना है, डिस्प्ले करना है, और फिर एक इनको एक्सेस कहाँ पे करना है। सबसे पहले मेन फंक्शन में आपने उस क्लास की क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद फिर उनके मेथड्स आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप गेट मेथड्स कॉल करेंगे तो आपसे इनपुट मांगेगा, आप इनपुट देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उनको डिस्प्ले करना है। आज का ये मुकम्मल हो गया, नेक्स्ट लेसन में हम फिर कुछ और एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे।